दोस्तों आज आपको एक ऐसे ड्रिंक की बात बताऊंगा जो प्रोटीन के हिसाब से बेस्ट है और नेचुरल है, बहुत सस्ती है और उस ड्रिंक का नाम है सत्तू का ड्रिंक। सत्तू आपको मालूम है, भुना हुआ चना को पाउडर बना के सत्तू बनाया जाता है और ये बिहार, झारखंड और यूपी के कुछ पोर्शन में काफी पॉपुलर माना जाता है। वहाँ पे लोग, गरीब लोग सत्तू खा के रहते हैं और सत्तू का ड्रिंक आजकल मोस्ट अल्ट्रा मॉडर्न लोग लेने लग गए, जैसे कि शिल्पा सेठी, आयुष्मान खुराना। ये माना जाता है कि सत्तू में बहुत हाई प्रोटीन है इसलिए उसको हर कोई इस्तेमाल करने लगा और नेचुरल सोर्स है। सत्तू में मैं आपको बता दूं करीब करीब 25 ग्राम प्रोटीन होता है, 100 ग्राम सत्तू में 25 ग्राम प्रोटीन, बहुत हाई प्रोटीन ड्रिंक है ये। और इसका 2-3 चम्मच पानी में घोल के पिया जा सकता है और इसमें आप चाहे नमक डाल दें, थोड़ा सा मसाला डाल दें तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो सत्तू को बहुत यूज में लिया कीजिए आप हर दिन, जिसको भी लगता है मेरे बॉडी में प्रोटीन की जरूरत है। और प्रोटीन जो लोग, जैसे हम लोग नॉनवेज खाने में बहुत प्रोटीन मानते हैं तो हम लोग नॉनवेज को आजकल मना कर रहे हैं, पर प्रोटीन की कमी ना हो उसके लिए सत्तू का ड्रिंक मैं रिकमेंड करता हूँ। सत्तू से फायदा क्या क्या, एक तो मसल को रीजनरेट करने में मदद मिलता है क्योंकि प्रोटीन मसल्स के लिए बहुत यूजफुल होता है। जो लोग मसल बिल्डअप करना चाहते हैं उनके लिए सत्तू बहुत अच्छा माना जाता है। डायबिटीज के, इसका ग्लाइसिमिक इंडेक्स बहुत कम है तो इसलिए डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और इसमें हाई फाइबर होता है, सत्तू में 18 ग्राम फाइबर होता है, याद रखिएगा। फैट बहुत कम होता है इसलिए हार्ट के लिए भी अच्छा, डायबिटीज के लिए अच्छा, मोटापा के लिए उतना अच्छा नहीं है, पर मोटापा अगर पतला करके सत्तू लिया जाए मोटापा के लिए भी अच्छा माना जाता है और हाई ब्लड प्रेशर में भी मदद करता है। तो ये समझ लीजिए सत्तू ऑलराउंडर ड्रिंक है। और पैसे कितने लगते हैं, बस चना को 2 चम्मच डाला और पानी में घोला और सत्तू तैयार। तो आप रेडीमेड है, कहीं पे कैरी कर सकते हैं। गर्मी के दिन में इसको कूलर ड्रिंक बोलते हैं, कूल करता है बॉडी को, कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन में भी बड़ा मदद करता है। जो लोग सत्तू लेते हैं उनका कब्जियत काफ़ी कम रहती है और डाइजेशन में भी मदद करती है। तो आप सत्तू का ड्रिंक लेने का आदत डालिए, कुछ करना नहीं है, भुना हुआ चना लीजिए, उसको मिक्सी में पीस के अपने पास रख लीजिए। भूख के वक्त भी सत्तू ले लेंगे तो आपका भूख भी मिट जाएगा और वजन भी कम होने लगे। तो आप सत्तू का ड्रिंक जरूर ट्राई करिए और हमें फीडबैक दीजिए कैसा लगा ड्रिंक। इसमें थोड़ा मसाला देंगे तो और अच्छा लगेगा। अच्छा, सत्तू को कोई कोई लोग उसका छोटे छोटे गोले बना के सत्तू के गोले भी खाते हैं गरीब लोग, वो लोग सत्तू को पानी में सान लेते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा गोला खाते रहते हैं, प्याज के संग खाते हैं, वो भी बड़ा हेल्दी माना जाता है। हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छा है, आपकी प्रोटीन आपको मिलता रहेगा और बॉडी में प्रोटीन की कमी नहीं होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए आप। और आपको मालूम है हार्ट के बारे में हमारी एक्सपर्टाइज है, हम हार्ट के पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं क्या खाना कैसे चलना। हमारी जीरो ऑयल कुकिंग बड़ा पॉपुलर होता जा रहा है और आप जरूर जीरो ऑयल खाना खाने का बंदोबस्त रखिए क्योंकि इससे आपका वेट लॉस होगा, ब्लड प्रेशर इंप्रूव करेगा, डायबिटीज इंप्रूव करेगा। हार्ट तो बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए ही जीरो ऑयल की खाना बता रहे हैं और मोस्ट हेल्दी खाना माना जाता है। हमारी वीडियो चैनल है YouTube में जीरो ऑयल रेसिपीज, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।